निश्वास टिकक कलबल जीवन कोरोना कहर भितर गोटे पटे ऑक्सीजन संकट रे जुझुची सारा भारत अंपटे अंबालार जड़े व्यक्ति निज घरे लगाइछंती ऑक्सीजन प्लांट आज्ञा हाँ यह शुणी आपण आश्चर्य होते निश्चय किंतु किसी एभली चित्र देखा मिली अंबालार मनाली हाउस रोकता 78 वर्षीय प्रोफेसर वेदप्रकाश विजों घरे नाना रकम गछलतारे भरी रही पूरा घर परिसर मुझे यूँ लगता था कि आप अगर प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति के आसपास रहते हैं, तो प्रकृति आपको वो कुछ देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला है, बहुत समृद्धि मिली है, वो सब समृद्धि कारण उसका है मेरे पेड़ पौधे। प्रोफेसर वेदप्रकाश निज घरे 1000 रु अधिक कुंडरे शताधिक किसमर गच्छ लगाइछंती जहाद्वारा तांको तीनी महला कोठा गच्छ लतारे परिपूर्ण होई सबुज सुंदर रहिछि। सन 82 से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे प्रेरणा मिली अपने मेंटर, अपने गुरु प्रोफेसर वीएस कुमार थे, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली। एभली अभिनव प्रयास ने प्रोफेसर वेदप्रकाश कुहंती कि तांको गुरु 1982 मसीहारे एक फूल गच्छ देथिले तांको आउ सेबेठु तांको गच्छ लगाइबा निशा चढ़ीगला। काल शिक्षक भावे चाकरी करिबा परे से 2004 रे अवसर नेथिले। एहा परुडो से केवल घरे रही गच्छ गुडीकर रक्षणाबेक्षणा करि आसुछंती। बच्चे बड़े होते गए और साथ में मेरी उम्र भी बढ़ती गई, तो अपने घर को और सुंदर से सुंदर बनाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने अपनी पत्नी से ये कहा कि यू आर फॉर इनसाइड, आई एम फॉर आउटसाइड। दोनों ने मिलकर अपने घर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश की है। ये हमारा एक यूं कह लीजिए एक इट्स वेरी अम्बल एफर्ट, ये बड़ा एक छोटा सा प्रयास है हम करते हैं। वेदप्रकाश को पाखरे 80 प्रकार रो प्लांट परमानेंट रहिछि जहाँ की ऋतु अनुजाई फुटी थाए। से इंग्लैंड रो लिप्टन नर्सरी रु फ्रिजिया ब्रीड रो गच्छ आनी निज घरे लगाइछंती। तेबे प्रोफेसर वेदप्रकाश को अधिक पसंद भारतीय प्रजातिर फूल। एहि सस्य सामला सौंदर्य भरा घर पछरे वेदप्रकाश को स्त्रीकर बड़ योगदान रहिछि। से गच्छ गुडीकर रक्षणाबेक्षण करंती आ समय समय रे पानी भी दियंती। वेदप्रकाश को स्त्री सुरेंद्र बीज डबल ग्रेजुएट सह जने गृहिणी एथि सह जने प्रकृति प्रेमी मध्य। जब मैं अंदर से किचन का काम करके बाहर आती हूँ तो मुझे लगता है मेरी थकावट उतर गई। सुबह उठते हैं, कोई नया फूल खिलता है तो हम एक दूसरे को आवाज़ें लगाते हैं, अरे देखो देखो ये फूल खिल गया, आज ये पहला फूल खिला है। प्रकृति आमर रक्षक और तार सुरक्षा आम कर्तव्य। संप्रति संकट समय सुस्थ रही वृक्षरोपण अत्यंत जरूरी। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने सभी लोग अपने घरों को सुंदर बनाएं और घरों में इस तरह से हरियाली पैदा करें जो वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी अभी बहुत कमी लोगों को लग रही है। दर्शक बंधु, यदि आम समस्ते वेदप्रकाश भली निज निज घरे छोट बड़ गच्छ लगाई पारिबा
तेबे निजे सुस्थ सह भविष्यत मध्ये सुंदर होइ परिबो। ब्युरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीस घंटिया लाइव न्यूज देखिबा पाई डाउनलोड करंतु ईटीवी भारत आप।